नमस्ते, जयश्री किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन का भरता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। हम एक बैंगन लेंगे और उसको कट लगा लेंगे। हम उसमें 4 कट लगाएंगे ताकि बैंगन अच्छे से भुन जाए और जल्दी से भुने। बैंगन में हम थोड़ा तेल लगा लेंगे। अब हम बैंगन को भून लेंगे। बैंगन को हमें सभी साइड से भुनना है ताकि वो अंदर तक पक जाए। अब हमारा बैंगन सभी साइड से भुन गया है। अब हम उसे निकाल लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हमें 10 हरी मिर्च, 10 कड़ी पत्ता, कोथमीर की डंडी, लहसुन और कोथमीर और 2 प्याज लेने हैं। अब हमें हरी मिर्च, लहसुन और जो कोथमीर की डंडी है उसे पीस लेना है और उसकी पेस्ट बना लेना है। अब हम प्याज को बारीक कट कर लेंगे। अब हमारा प्याज बारीक काट के रेडी हो चुका है। अब हमें हरे धनिए को बारीक काट लेना है। अब हमारा हरा धनिया काट के रेडी है। हम बैंगन को छील लेंगे, उसका छिलका हमें पूरी तरह से निकाल लेना है। देखिए, बैंगन का छिलका पूरी तरह से निकल गया है। अब हमें उसे कट करना है। उसकी पहले डंडी कट कर लेंगे। देखिए, पूरे तरह से बैंगन पक चुका है। अभी उसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। अब हमारा बैंगन पूरी तरह से कट चुका है। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डालेंगे, उसमें थोड़े मूंगफली के दाने डाल के फ्राई कर लेंगे। अभी मूंगफली फ्राई हो चुकी है, हम उसे निकाल लेंगे। तेल में कड़ी पत्ता डालेंगे और प्याज डालेंगे और उसे भून लेंगे। प्याज को हमें लाल होने तक भूनना है। अब हमारा प्याज लाल हो चुका है, उसमें हम थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की पेस्ट डालेंगे और उसे भून लेंगे। अभी मसाला तेल छोड़ने लगा है। हमारा मसाला भून चुका है। उसमें अब हम भुना हुआ बैंगन डालेंगे और मिक्स कर लेंगे।
हमें बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है। अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हमारा बैंगन का भरता रेडी हो चुका है। हम उसमें हरा धनिया डालेंगे और सजाएंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।